प्रथम तहलका न्यूज। रोहतक में अपने आप को जिंदा साबित करने के लिए 102 साल के बुजुर्ग को बैंड बाजों के साथ बारात निकालनी पड़ी, क्योंकि सरकारी रिकॉर्ड में उसे मुर्दा घोषित कर दिया गया था और पिछले 6 महीने से उसकी बुढ़ापा पेंशन भी बंद कर दी गई थी। दरअसल रोहतक जिले के गादरा गांव में के रहने वाले दूली चंद की उम्र 102 साल है, जो बुढ़ापा पेंशन ले रहे थे, लेकिन अचानक अप्रैल महीने से उनकी बुढ़ापा पेंशन बंद हो गई। तो वही जब बुजुर्ग के परिवार वाले इसका कारण जानने के लिए पहुंचे तो हैरान रह गए, क्योंकि दूलीचंद की पेंशन उसकी मौत की वजह से बंद हुई थी। 6 महीने तक परिवार के लोग अधिकारियों और कर्मचारियों के चक्कर काटते रहे, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ, जिसके बाद परिवार के लोगों ने समाज सेवी नवीन जैन के पास पहुंचकर अपनी समस्या उनके सामने रखी, जिसके बाद बुजुर्ग को जिंदा साबित करने के लिए रथ व बैंड बाजे के साथ नाचते गाते बारात निकाली गई, ताकि अधिकारियों और सरकार के लोगों तक ये बात पहुँच सके कि बुजुर्ग पेंशन को लेकर कितने परेशान है। और जैसे ही बुजुर्ग दूलीचंद रथ पर सवार होकर निकले और आगे बैंड बाजे के साथ युवक नाचते हुए अपना विरोध दर्ज करवा रहे थे, हाथों में पोस्टर बैनर थे कि दूलीचंद अभी जिंदा है। अधिकारियों के कार्यालय पर जाने की कोशिश की गई तो गेट बंद कर दिए गए, जिसके बाद सभी लोग कैनाल रेस्ट हाउस में पहुंचे, जहां पूर्व सहकारिता राज्य मंत्री और बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष मनीष ग्रोवर मौजूद थे। वही मामले में प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व सहकारिता राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर ने कहा कि कहां पर खामियां रही है जांच करवाई जाएगी और जो भी अधिकारी या कर्मचारी इस मामले में दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वह बुजुर्ग का सम्मान करते हैं और जल्द ही दूलीचंद की पेंशन शुरू करवा दी जाएगी। देखो, मेरे 2014 से लेकर 2022 तक अभी तक ये केस मेरा पहला मेरे सामने आया है। जो लोग आप कह रहे हो चक्कर काट रहे हैं, ऐसे लोग आपके चैनल के माध्यम से और नवीन जैन जैसे सामाजिक लोग अगर ऐसे कोई इशू लेकर आते हैं, हम उसका समाधान कराएंगे। और किस कारणों से जैसे इनको बुजुर्ग को मृत दिखाया गया है, और मेरी आपके चैनल से माध्यम से प्रशासन से मांग है, क्या उनके खिलाफ़ जिस अधिकारी ने ये हरकत की है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उनकी पेंशन बहाल होनी चाहिए। एज ए रोहतक का नागरिक होने के नाते, एज ए भारतीय जनता पार्टी का उपाध्यक्ष होने के नाते, जो 60 साल के ऊपर के पेंशन है, विधवा पेंशन है, जो रूल हैं सरकार के वो बिल्कुल तय हैं, उनको मिलेगी। अगर किसी ने ये श्राद्ध की है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लापरवाही जब दो आप तीसरे महीने तक दे रहे हो मार्च के और 9वां महीना आ गया, 6 महीने के अंदर आपके आईडी के अंदर इसको मृत घोषित है, इसलिए ये कंप्यूटर की गलती है, स्टाफ की गलती है। वो अभी एडीसी महेंद्र जी आ रहे हैं, जो इस काम को वो देख रहे हैं, वो देख कर उनकी जो भी है इसकी जाँच करा के जो दोषी है उसके खिलाफ मैं मांग रखता हूँ कार्रवाई होनी चाहिए। वही आप नेता नवीन जैन ने कहा कि अगर सरकार के पास पैसा देने को नहीं है तो कम से कम उन्हें मृत घोषित तो न करे। उन्होंने कहा कि पूरे हरियाणा में सरकार बुजुर्गों को परेशान करने में लगी हुई है, बुजुर्गों को परेशान नहीं होने दिया जाएगा और इसी तरीके से मुद्दों को उठाते रहेंगे। नवीन भाई, जिस तरह से पेंशन काटी 102 साल की बुजुर्ग भाई, पहली बात तो यह है, लाखों जो बुजुर्ग हैं हरियाणा में जिनकी पेंशन गलत तरीके से सरकार ने काट दी, हजारों ऐसे लोग हैं, मेरे पास तो इतने फोन आ रहे हैं कि भाई हम आर्डर भी दिखा रखे, इस गांव में भी मर्या दिखा दिया। ये भी 102 साल का बुजुर्ग है, नाम है दूलीचंद और जिंदा है। यो बुढ़ापा पेंशन नहीं दी जा सरकार ने, तो कोई बात नहीं, नमारो भी क्या दी हो। और हम यहाँ पर आए थे, हमने पता चला अगर रोहतक का मुख्यमंत्री यहाँ पर आ रहा है तो हम रोहतक के मुख्यमंत्री मनोज ग्रोवर जो है उनके पास आए थे। तो अब वो यहाँ हालांकि मना किया गया था कि नहीं है यहाँ कोई नहीं, लेकिन यहाँ थे। अब हम तो बैंड बाजा बरात और मारा लगा दादा और सरकार का है फूफा, हम ये बताने आ गए थे फूफा दूलीचंद, सरकार का फूफा दूलीचंद अभी जिंदा है।
जिंदा है ना? जिंदा। ए भाई टोका ठाक बता। हाँ जिंदा है ना? हाँ जो जिंदा है भाई देख लो, इसने बता रखे मर रहा है और हम यहाँ पे इसलिए आए थे। ये जाओगा वापस जब जब यहाँ से ये कह देंगे हाँ भाई पेंशन गांधरा जाने से पहले इसका काम हो गया, और ना तो रेस्ट हाउस में रेस्ट करेंगे। बारात आ रही है तो या तो फर्ज भी है, रेस्ट भी करा रहा रात बीच में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसलिए हम ये बात कर रहे हैं, ये मामला है, इस सरकार को हम ये कहना चाह रहे हैं अब जो ये अंधेरगर्दी ये ठीक नहीं है। कहीं पर भी बूढ़े हैं वे दुखी, या आज वे उड़े किसान वो के नाम है अपने रोडवेज वाले हैं वे दुखी, मतलब वो रोडवेज वाला भी मार दिया उसका छोरा, मतलब कार्रवाई नहीं हुई। इसका मतलब मैकेनिज्म इनका कुछ नहीं है, जंगल राज है। वो सारे हड़ताल में बैठे हैं, उनकी हड़ताल ही गलना भी हम था भाई, क्योंकि उसके छोरे ने भी सुसाइड कर ली क्योंकि उसका भरोसा नहीं था कार्रवाई होगी। तो भाई हम तो आ रहे हैं अड़े और जाओगे जब जब अड़े कार्रवाई हो जाए। अभी भरोसा के अब रोहतक के मुख्यमंत्री ने कही तो है, हरिया कहीं ना कही है, वो बेरा पट जाएगा। अगर रोहतक का मुख्यमंत्री है ना कि मैं चल पुल है ना हूँ हाथ पल्ला कि मैं सही को ना हूँ किल की मारे हैं हम तो, हालांकि उन्होंने आश्वासन दिया हमारे तक और नुगे भाई करवाऊँ तो अड़े बैठे हैं, अड़े रहना है। हाँ अड़े रहेंगे। 102 साल का ये भी हम सरकार ने 6 महीने टाइम थोड़ी देंगे लोग, आज का काल का नहीं बेरा जीण मरण का। 102 साल का आदमी है, मारा दिखा रखा है सारे डॉक्यूमेंट्री। तो ये एक अकेला मामला नहीं है, मेरे पास इतने फ़ोन आ गए इस मामले के बाद, 100 फोन तो मेरे दोहरा लिए। अग मारी भी काट दी भाई, मारी भी काट दी, अरे धक्के खावा हाड़े डिपार्टमेंटा में, क्यों खावा धक्के भी डिपार्टमेंटा में किस लिए? और जिसने यहाँ गड़बड़ करी है उनके ऊपर कार्रवाई करो, इन बूढ़ा ने क्यों दुखी करो यार, कम से कम शर्म कर लो यार। ये कितने 102 साल का आदमी क्या करेगा बता, जवान आदमी तो चलना नहीं चाहता ढंग तो, इतनी बूंदी तो गर्मी हो रही है। रेस्ट हाउस में पहली बार इस तरह की बारात रोज आऊंगी यार, देखिए रेस्ट हाउस में रेस्ट कराया ना, ये जिनकी समस्या होगी ये कौन है पर पिटले शिटले आड़े कौन है चल रहे, रेस्ट हाउस ही भी हो जनता का होगा, आड़े समस्या आऊंगी आपके भी ध्यान रखियो, थर दर को समस्या रही हो बता दियो, और किसा हो ऐसा कांड कर रखा हो इसकी से कह लिया बता दियो, हम आर्डर रेस्ट हाउस में बैठा गए करवाओगे कार्रवाई। हलका के लिए रोहतक से ब्यूरो रिपोर्ट।